भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान पर उतारा है। वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो करनहा से इदरीस करनाही, हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन, गुजेर से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। वहीं अन्य उम्मीदवारों में आरएस पठानिया को उधमपुर पूर्व कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण, बिश्नाह से राजीव भरत, बाहू से विक्रम रंघावा और मढ़ से सुरेंद्र भगत को चुनावी मैदान पर उतारा गया है। वहीं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 47 सीटें कश्मीर और 43 सीटें जम्मू रीजन में आती हैं। परिसीमन से पहले की बात करें तो 2014 के चुनाव तक 87 सीटें हुआ करती थी, जिसमें 33 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर में थी। वहीं 4 सीटें लद्दाख में आती थी। राज्य के दर्जे में बदलाव होने के बाद लद्दाख अलग क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके बाद हुए परिसीमन में जम्मू 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को ही भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग अति महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुका है, ये कभी लौट कर नहीं आ सकता, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ पर पत्थर थमाती थी। अमित शाह ने कहा कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते, पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं। अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर कोई भ्रम नहीं लेना चाहिए। खबरी चौखट की रिपोर्ट।